हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो चल रही हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस, क्लास एलेवेंथ कम जेई नीट। तो स्टार्ट करते हैं। कल ही हमने होमवर्क दिया था, सो सभी बच्चों ने आई होप ये होमवर्क कर लिया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ये कल का होमवर्क का था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री चला रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ सिस्टम एंगल ऑफ एंगल सिस्टम जो होता है मेजरमेंट का, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो इसमें दो तरीके के मेजरमेंट सिस्टम मैंने आपको बताए। एक पहला बताया मैंने सेक्सागेसिमल सिस्टम और दूसरा मैंने बताया सर्कुलर सिस्टम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने फाइनली बताया कि सेक्सागेसिमल को सर्कुलर में और सर्कुलर को सेक्सागेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यश अनु, ओके। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज की थी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री। उल्टा हो गया, 180 अपॉन पाई डिग्री। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते थे। ये कन्वर्जन की बात तो हो गई थी। अब कन्वर्जन के बाद मैंने बताया था कि जो सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम जिस फॉर्मूले से चलता है वो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो फॉर्मूले वाइज तो इसकी यहाँ पर कोई यूनिट नहीं है, मगर एस आई मतलब फिजिक्स की यूनियन, एस आई बेटा कॉपी में लिख लो, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, ओके, इसका पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स है ना। तो ये जो है एक, जैसे IUPAC केमिस्ट्री को गवर्न करती है, ऐसे फिजिक्स को गवर्निंग यूनिट जो है दैट इज SI यूनिट तय करती है। सो SI प्रपोज द यूनिट ऑफ एंगल एज रेडियन, एज रेडियन। क्लियर? यस अनु, ओके। सो व्हाट इज एंगल? एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, आप कॉपी में लिखिए डिफाइन 1 रेडियन। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफाइन 1 रेडियन। बेटा 1 रेडियन एंगल क्या होता है? चलो डिफाइन करो। नो, 1 रेडियन देखो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे 1 रेडियन। कल आपने देखा था एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल आपने बना रखा है, अब इस सर्कल की रेडियस r है। जितनी इस सर्कल की रेडियस है ठीक उतनी ही लेंथ का अगर आप आर्क ले लें, मींस दिस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। ओके, सो चलिए लगाते हैं ये फॉर्मूला। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हियर द आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू R units and radius is equals to R units. So R से R cancel हो गए, answer equals to one radian. Okay, so formula क्या लगेगा? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर आर्क भी कितने सेंटीमीटर, सपोज आर सेंटीमीटर है जो भी रेडियस होगी, ओके आर सेंटीमीटर, और लेंथ भी कितने सेंटीमीटर है, आर सेंटीमीटर, दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया 1 रेडियन। सो व्हाट इज 1 रेडियन? वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड,
बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, सो व्हाट इज वन रेडियन? बोलो। यस, सो वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, मतलब वो आर्क जिसकी खुद की लेंथ रेडियस के इक्वल हो। अगर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो उस कंडीशन पे जो सेंटर पे एंगल पड़ेगा वो कितने रेडियन का होगा? वन रेडियन का। बोलो, क्लियर है? ओके, डन। हाँ, अब एक चीज नोट कर लो, वन रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 27 मिनट। लिख लो, वन रेडियन इक्वल टू 57 डिग्रीज 27 मिनट्स। क्या बेटा? फिफ्टी सेवन डिग्री है, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा 27 मिनट्स। कल बताया था ना मैंने कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल को पहले डिग्रीज में तोड़ा गया, फिर हर डिग्रीज को मिनट में ब्रेक किया गया। सो वन रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 27 मिनट। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सो आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं? यस, सो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दिस ट्रायंगल इज ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी इज द राइट एंगल। सो अगर आप थीटा एंगल को कंसीडर करते हो, कंसीडर एंगल ए इज इक्वल्स टू थीटा, तो इस थीटा के लिए बोलो ए बी क्या होगा? वेरी गुड, ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनस। ओके, सो फ्रॉम दीज गिवेन थ्री साइड्स वी हैव पॉसिबली थ्री रेशियोज, यस और नो? दीज रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो नेमली दीज रेशियोज आर फर्स्ट बी सी अपॉन ए सी, ओके, देन ए बी अपॉन ए सी, then BC upon AB, yes, BC upon AC is called what? Very good, sin theta, and this AB upon AC is called cos theta, and BC upon AB tan theta. Okay, इनके reciprocals आप जानते होंगे, reciprocal will be AC by BC. This is equals to cosec theta, and AC upon AB is equal to sec theta, and last AB upon BC equals to cot theta. Okay, AB upon AC, AB upon BC, BC equals to cot theta. ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ, अब देखो बेटा क्या है कि हमारे पास ये राइट ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए की बात करी आपने, ये सी है और ये बी है। सो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, तो ये एंगल मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, बिकॉज अगर ये तो 90 है, तो इसको 90 माइनस थीटा होना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, सो दीज पेयर्स एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या कह लेते हैं इनको?
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, इनको कहते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, डन। तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, क्लियर है बेटा? यस। अब देखिए, अभी तक की ट्रिग्नोमेट्री आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ी है, अब हम ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के चारों क्वाड्रेंट में लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, दिस एंगल इज 0 डिग्री, ये सुनो, यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री होता है, 90, देन इट इज 180, देन 270, एंड लास्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन रेवोल्यूशन द एंगल इज अ कंप्लीट एंगल एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये सुनो। सो वी हैव फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। सो वी वॉन्ट टू नो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ऑल दीज फोर क्वाड्रेंट, कि इन क्वाड्रेंट में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे ये समझो कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये थीटा है आपका, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एज इट इज़ बिटवीन 0 to 90 डिग्री, और रेडियन में बात की जाए तो 0 to π/2, यस ना। सो हमारे पास देखो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो होता ही पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइड्स का रेशियो निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। इसका मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे क्या निकलेंगे, पॉजिटिव निकलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पॉजिटिव, सो मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑल पॉजिटिव, क्या लिखा जाता है, नोट कर लो, ऑल पॉजिटिव, ओके। तो हम बात कर रहे थे, हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस तो होता पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे सारे के सारे क्या आएंगे, बोलो, पॉजिटिव। बट यदि आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होता है, बट बेस देखो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है। तो बताओ इस क्वाड्रेंट में, मतलब कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे, बोलो एक बार। वेरी गुड, टेन और कॉट, और कॉस भी तो नेगेटिव होगा, हाँ, मतलब केवल यहां पर साइन पॉजिटिव होगा, यस और नो, हाँ। तो हम क्या कहते हैं, ये साइन थीटा का घर है, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन थीटा का, एज साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉसेक थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा। चलो अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे देखो बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, तो मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा रेशियो होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, बिल्कुल सही। तो ये वाला तीसरा वाला किसका घर है, टेन थीटा का घर है, क्लियर। फोर्थ में आ जाइए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो बताओ ये क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही, बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, सो कॉस जो होगा यहाँ पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो अब एक इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे, ए एस टी सी, ओके, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्लियर है बेटा। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टेन पॉजिटिव, एंड सी का मतलब कोस पॉजिटिव, पक्की बात, ओके।
याद रखिएगा क्वाड्रेंट 0 से 91st, 90 से लेके 180 इट इज़ कॉल्ड पाई, देन पाई से लेके 3π/2 और यू कैन से इट इज़ 270 degree, एंड देन हियर 360 degree इन रेडियन इट इज़ कॉल्ड 2π, ये रखेंगे ठीक है। ओके तो पहली बात अपन ने कर ली, एक क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ये सारा का सारा क्वाड्रेंट सिस्टम आपके सामने है। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी जानते हैं, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कल हमने बात कर ली थी पॉजिटिव एंगल की, निगेटिव एंगल की। ओके अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल आप मेज़र कर रहे हो देन दैट टाइम एंगल इज़ कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव एंगल, और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल आप मेज़र कर रहे हो तो ये एंगल क्या कहलाएगा बेटा, निगेटिव एंगल। इन पर हमने कल डिटेल्ड बात कर ली है, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल पे। बेटा ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आई होप आपको पता होंगे, कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, सेक होता है कॉस का, कोट होता है टेन का, पता है ना। सो दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल फॉर्मूले। एंड बेसिक आइडेंटिटीज बोलो क्या क्या होती हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलो बेटा क्या क्या होती हैं। वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड वन, यस फिर जोर से बोलो, नहीं गलत बोल रहे हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही कहा। ओके तो सही कहा है, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी बोलिए, अब इस बार भी गलत बोल दिया, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec² थीटा, नहीं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। क्लियर, सो दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ये अपनी बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot² थीटा, एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब करना क्या है तुमको बेटा, इससे इनसे क्या करना है, आपको इनका ऑपरेशन करना है, आदत बना लो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हर्षिका आपको पहला फॉर्मूला मैं बताऊं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने कॉस को रोक लिया तो साइन इधर चला गया। यस, सो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो। तो जैसे ये आपने पहली आइडेंटिटी से सारे फॉर्मूले निकाल लिए, ऐसे सभी आइडेंटिटी से आपको फॉर्मूले निकालने हैं। जैसे अगली आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, तो इससे कौन कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, इससे निकलेगा sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan² थीटा। क्लियर, वेरी गुड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, डन। सो ऐसे लास्ट से भी आपको सभी फॉर्मूले बना करके निकालने हैं, है ना, इनसे आपको सब फॉर्मूले आपको बना करके निकालने हैं, जितना थर्ड वाले से भी, डन। नाउ साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यू नो ऑल पॉजिटिव, हियर दिस इज द होम ऑफ साइन, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ये टेन का घर है, सो टेन एंड कोटेंजेंट यानी कॉट पॉजिटिव, और ये कोस का घर है तो यहाँ पर कोसाइन पॉजिटिव, डन। नाउ अभी तक हमको पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 डिग्री तक के सीख लिए हैं, अब मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिखा रहा हूँ,
उसका रूल क्या है ये भी बता दूंगा, और जिससे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बन जाएंगे। ये 180 तक है, जितने भी डिग्रीज होते हैं वो आपको बन जाएंगे, और ये टेबल भी जो लिखी हुई है ये भी आपको बन जाएगी बड़े ईजिली। आइए देखते हैं कैसे, चलो देखते हैं कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना लो बेटा, यहां पर दो लाइनें हैं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है, उनको आपको प्रेफरेंस देनी है, मान लेना है। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हो, ये कितना है, पाई बाय टू है और इट इज 90 डिग्री, 3π/2 और 270 डिग्री। मैं आपको रूल बता देता हूँ कि रूल क्या है। बेटा रूल ये है कि अगर आपने इस लाइन को क्रॉस किया या इस लाइन को क्रॉस किया, मतलब वर्टिकल लाइन अगर आपने क्रॉस करी, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, लिख दिया मैंने, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सिक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। समझ में आया ऋषिका? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन का रेसिप्रोकल तो कोसेक होता है, मगर साइन का कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस होता है। तो अगर आप इस लाइन को क्रॉस करके आ रहे हो, ठीक है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। डन, ओके। बट इन केस व्हेन यू क्रॉस दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, देयर विल बी नो चेंज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो चेंज, सेम रहेगा। साइन विल बी रिमेन इन साइन, कॉस विल बी रिमेन इन कॉस, ओके, ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देयर विल बी नो चेंज। डन, लेट सी हाउ कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला। फर्स्ट मैं आपको जो एंगल बना रहा हूँ, टी रेशियोज, टी रेशियोज इज अ शॉर्ट नेम फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्विवेलेंट टू π/2 माइनस थीटा। आपको मैं 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना के दिखा रहा हूँ। चलिए, सो दिस इज 90 और इट इज π/2, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कुछ कम, मतलब किस क्वाड्रेंट में गिरेगा बेटा, यहाँ पर फर्स्ट में, यस और नो? ये 90 है और 90 से आपने थीटा माइनस कर दिया, बोलो यस। ये थीटा बनाना था। सो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर हर्षिका? अच्छे समझना, 90 माइनस थीटा का मतलब प्लस का 90, देन इसके बाद माइनस का थीटा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 एंड क्लॉकवाइज थीटा। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 मतलब पहले 90 में चले गए और 90 के बाद क्लॉकवाइज थीटा चले गए, तो टोटल एंगल जो हमारे पास बन गया वो बन गया 90 माइनस थीटा। डन, हाँ, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है। अब हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते कि नहीं होते? अब 90 की लाइन क्रॉस हो रही है, तो बोलो चेंज की नो चेंज? चेंज। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना शुरू करता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। ऋषिका 90 बताइए, साइन किस में चेंज होगा? ओके, सो दिस विल बी cos थीटा
कॉस विल बी चेंज इन टू साइन साइन थीटा, टेन विल बी चेंज इन टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक विल बी चेंज इन टू कोसेक थीटा, कोसेक विल बी चेंज इन टू यस एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा यस एंड ऑल आर पॉजिटिव, तो सबके सब निशान पॉजिटिव रहेंगे, ना भी लगाओगे तो पॉजिटिव है और समझने के लिए लगा सकते हो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी, कॉट भी, डन। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका बन चुका है फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। अब चलते हैं सेकेंड एंगल 90 प्लस थीटा। नाइन्टी प्लस थीटा और पाई बाय टू प्लस थीटा, ओके। सो दिस इज एंगल 90 डिग्री और इट इज कॉल्ड पाई बाय टू। सो 90 से आगे चले जाएंगे हम, यहां तक आ जाएंगे 90 के आगे, यस। तो ये है 90 और प्लस थीटा, क्लियर। सो 90 प्लस थीटा कितना एंगल बन गया, 90 प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है बच्चों हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बोलो चेंज की नो चेंज, चेंज होगा बिकॉज इस लाइन को टच किया हमने। नाउ साइन 90 प्लस थीटा या इसी को साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, चलो पाई बाय टू लेता हूँ, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा, सेक पाई बाय टू प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय टू प्लस थीटा एंड कोट पाई बाय टू प्लस थीटा, यस। नाउ पहले बताओ मेरे मुझे बेटा छोटू की ये क्या रेशियो आएगा, साइन किस में कन्वर्ट होगा? हाँ गलत बताया आपने, पहली चीज साइन मैंने बोला, अभी साइन मत लगाओ सीधे बताओ कन्वर्ट बताओ। तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन, केवल अभी आपको कन्वर्जन देखना है, साइन में बाद में लगाऊंगा। 10 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा एंड कोसेक 90 प्लस थीटा, यस सेक एंड लास्ट कॉट 90 प्लस थीटा एंड थीटा। नाउ यू सी दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का, मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। इसको देखते हुए बेटा लेफ्ट साइड को, क्वेश्चन ये तो आंसर है, तो ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। समझ में आया, क्लियर हुआ? सो टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक पाई बाय टू प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय टू प्लस थीटा एंड कोट पाई बाय टू, कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा, यस एग्जैक्टली। सो ये बच्चे हमारे हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डन, ओके। अब इसका यूज बताता हूं मैं आपको कि इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी तक आपको वैल्यू पता थी साइन 30 की, बट अभी तक आपको वैल्यू ये नहीं पता थी कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। बोलो नहीं पता ना, चलो अब मैं आपको बताता हूं साइन 120 कैसे निकालोगे। नाउ यू कैन राइट साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30, यस और नो? सो इज देयर चेंज ऑफ चेंजिंग अक्रॉस वर्टिकल लाइन, यस और नो? सो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉस 30 में। नाउ ये कौन सा क्वाड्रेंट है 90 प्लस थीटा? सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? और साइन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सो कॉस 30 इज इक्वल टू आंसर रूट 3/2। क्लियर बना कि नहीं बना? सो साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? यस। वन मोर क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, साइन 150 डिग्री वैल्यू निकालो। वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री, वन बाय टू। लेट्स सी साइन 150 डिग्री, साइन यू कैन राइट इट 90 प्लस 60, देयर विल बी ए चेंज, कॉस 60, साइन है फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है, प्लस कॉस 60 इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सही। ओके तो ये हो गया आपका कन्वर्जन, आपने देख लिया अक्रॉस 90 के इधर 90 माइनस थीटा, 90 के इधर 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं 180 के अक्रॉस का कन्वर्जन देखते हैं। दिस लाइन इज 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाई। सो अगर आप ऊपर जाओगे इसके, सो ये बनेगा 180 माइनस थीटा, और नीचे अगर घूम करके आओगे सो 180 प्लस थीटा, यस और नो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा, रेडियन सिस्टम में पाई प्लस थीटा। मैंने क्या बताया था, जब आप ये लाइन चेंज करते हो तो देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यस? चलो सो वी हैव द एंगल्स साइन पाई प्लस थीटा, पहले पाई माइनस थीटा ले लेते हैं, ऊपर वाला सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं। पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? यस। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, चलो इतना काफी है। कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, यस। टेल मी हर्षिका, डज देयर इज चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और नॉट? नो। सो आई कैन राइट डायरेक्टली देम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। एग्री? नाउ विच क्वाड्रेंट इज दिस? पाई माइनस थीटा इज विच क्वाड्रेंट? ओके सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है? साइन का और कोसेक का, है ना? तो कॉसेक और साइन को अपन को पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव कर देते हैं। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, बोलो यस और नो? ओके। अब फायदे देखो इसके, अभी आपने वैल्यू निकाली है साइन 150 की यूजिंग 90, आपने 90 को क्रॉस किया था। अब मैं साइन 150 की वैल्यू निकालता हूँ यूजिंग पाई। साइन 150 इट कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 30, यस और नो? ये 180 है, इसमें से 30 कम, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। ये लाइन ट्रेस हो, चेंज हो रही है, तो चेंज और नॉट चेंज? नो चेंज, हाँ 180 से चल रहे हैं ना बेटा, नो चेंज। सो नो चेंज, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। आंसर साइन 30 आ गया 1/2। 90 से निकाला था, 90 के क्रॉस चेंज हुआ था तो भी 1/2 आया था, और वैसे निकाला है तो भी 1/2 आया। पक्की बात? चलो तो ऐसे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करने हैं। एक मैं और पूछ लेता हूं आपसे, दिस इज 3/2, थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन
थ्री पाए बाय टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो? यस कितना? हाँ कितना होगा? कितना कॉस थीटा बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। चलो देखो, सबसे पहली बात ये वाली लाइन चेंज हो रही है, ये है थ्री पाई बाई टू। अब थ्री पाई बाई टू से थीटा कम मतलब इधर की ओर आओगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और सबसे पहली चेंज हो रही है तो चेंज में आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये किसका घर होता है? टेन का। हमसे क्या पूछ रहे हो आप? साइन। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यस और नो? नाउ कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू वेरी गुड माइनस साइन थीटा। टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा राइट। क्लियर? ओके, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। अब चलो एक और पूछता हूं, दिस इज 360 डिग्री और इट इज कॉल्ड 2 पाई। साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा वेरी गुड बिकॉज इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 2 पाई में नो चेंज सो ऑल पॉजिटिव। कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर से थीटा एंगल आगे चल जाते हैं तो वहीं पर पहुंच जाएंगे। यस और नो? तो चाहे आप 2 पाई प्लस थीटा करो या 4 पाई प्लस थीटा करो या 6 पाई प्लस थीटा करो, 2 पाई प्लस थीटा मतलब एक चक्कर, 4 पाई प्लस थीटा मतलब दो चक्कर, 6 पाई प्लस थीटा मतलब तीन चक्कर, है ना बेटा? और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो आपका आंसर आएगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बना रहा हूं कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ब्रैकेट में 2 पाई के एन चक्कर, कितने चक्कर? एन चक्कर। इट मे बी वन, इट मे बी टू, इट मे बी थ्री, एन नेचुरल नंबर हो सकता है, प्लस थीटा होगा, बोलो आंसर कितना होगा? टी थीटा। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग एंगल पे निकाल सकते हैं। पक्की बात? चलो क्वेश्चन करते हैं एक। फाइंड साइन 390 डिग्री। चलो बेटा फाइंड करो वैल्यू। वन बाई, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। साइन इट कैन बी रिटन साइन 360 प्लस 30 एंड आई सेड यू कि भाई 360 यूजलेस, कोई काम का नहीं, केवल 30 काम का होगा। साइन 30 इक्वल टू 1/2। डन? ओके, सो इट्स नाउ टाइम टू होमवर्क। ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क है, शीट ब्लैक वाली, और ये सारे के सारे फॉर्मूले देखो। 90 माइनस थीटा पढ़ा दिया, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, ऑल डन? ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको कल लिख करके मुझे भेजने हैं। ओके, किसके किसके एक बार फिर से बता देता हूँ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट 90 माइनस थीटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना? यहाँ ऐसे बना देता हूँ, देखो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा टू पाई प्लस थीटा। बोलो क्लियर हुआ? कितने हुए टोटल? एट।
डन? ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. ये हो गया कंप्लीट, ये पूरी की पूरी वैल्यूज दी हुई हैं. देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे ही लर्न करने हैं, ठीक ना. मतलब खासकर जो आपके यूज में है, ये ऊपर वाले, ये आपको लर्न करने हैं. तो इनको बेटा लर्न कर लो, क्योंकि बीच में फंसेंगे तो प्रॉब्लम होगी. हाँ बेटा बोलो. क्या बोले, किनको? ये आपको फिजिक्स में डेरिवेशन होगा तब मिलेंगे ना. मेरा ये कहना है कि एक दो तो चलो मैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला है, तो इसको तो मैंने भी याद कर रखा है, तो आप भी याद कर लो इसको, सामने पेपर में लिख करके रखो, जिससे मैं बार बार पूछो तो बार बार मुझे बताते रहो.